हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि यंग एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने बाहर जाना है और ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली, और विजिटर वीज़ा के लिए उनकी जो फुलफिलमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं हो रही। बिकॉज जो विजिटर वीज़ा आज के टाइम पे डिपेंडेंट रहता है कि प्रोफाइल ऑफ एप्लीकेंट की, जो आप जो अप्लाई कर रहा है, अगर वो यंग एप्लीकेंट है तो उस वो क्या करता है, उसके बैंक बैलेंस को इतना फोकस में नहीं लिया जाता। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी सेविंग्स कितनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फादर साहब ने डाल दी, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तब भी किसी ने सपोर्ट कर दिया। तो वो चीज़ अगर होती है इन द केस ऑफ यंग एप्लीकेंट तो रिफ्यूज़ल आता है स्ट्रेट अवे, बिकॉज जो एप्लीकेंट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में व्हाट आर द ऑप्शंस, तो आज मैं जो वीज़ा बताने वाला हूँ ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पहले सिर्फ जस्ट एम था कि आपको उससे रूबरू कराना, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वो यूटिलाइज आप कर सकते हो इस पर्पज़ के लिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा 408 एंड स्पेसिफिकली फॉर द यंग एप्लीकेंट्स। अब यंग एप्लीकेंट्स का मतलब ये नहीं है कि 18 से नीचे, 18 से ऊपर वाला, क्योंकि बिलो 18 इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। और विजिटर वीज़ा के लिए 18 से ऊपर और बिलो 50 दे कंसिडर एज यंग एप्लीकेंट। तो इनमें से जो भी इन कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं तो यू कैन फाइल दिस वीज़ा। तो इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिक। जैसे ये 6 स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, तो जो मेन यूटिलाइजेशन वाली स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। एंड बाकी आप प्रोफाइल अगर अपना चेक करवाना चाहते हैं कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं, देन यू कैन बुक ए जूम स्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, 408 वीज़ा इज़ ए टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट लेटर, इसमें दो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं जिसके ऊपर ये पूरा फोकस रहता है। एक होता है सपोर्ट लेटर, अगर आपके पास सपोर्ट लेटर है तब आपको ये 3 महीने तक मिल जाता है वीज़ा, फॉर द 3 मंथ्स। और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप हो जाती है एज इट इज़, देन आपको ये 2 साल तक भी मिल सकता है। अब कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन करी हुई है उन्होंने, नाउ विजिटर वीज़ा लग नहीं रहा है बिकॉज वो अभी कमा नहीं रहे हैं। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो इतना अच्छा इनकम नहीं है, ठीक है। वो अब कैसे 408 को यूटिलाइज़ करें। अब 408 में एक स्ट्रीम है जिसमें इनविटेशन, स्पेशल इनवाइटेड प्रोग्राम है फॉर अ स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़। अब ऐसा कोई प्रोग्राम, अब इसमें कौन से प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इसके अंदर कल्चरल शोज़ आ जाते हैं। अगर आप कल्चरल में नहीं हैं तो एकेडमिक इवेंट्स भी आते हैं, इसमें वर्कशॉप्स भी आती हैं शॉर्ट टर्म, 2 महीने की, 3 महीने की, ठीक है। वर्कशॉप हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई 3-4 दिन की या हफ्ते की हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये सारी ये कवर कर लेता है। और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, सपोज़ आप एक साइंस ग्रेजुएट हो या एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लें। अब आपको वर्कशॉप स्टूडेंट की लाइफ में बहुत मायने रखती है, सबको मालूम है, वर्कशॉप भी और दिस कॉन्फ्रेंसेस आल्सो, और कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है वो भी। साइंस में एडवांटेज रहता है, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, और बाकी जो स्ट्रीम्स हैं वो कॉन्फ्रेंसेस के लिए थ्रू जा सकती हैं या आपका कोई वर्कशॉप हो गई उसके थ्रू जा सकते हैं। अब ये कैसे सर्च करना है, आप देखिए, ये हम भी करवाते हैं इवेंट, सॉरी हम भी ये करवाते हैं अप्लाई 408। तो जब हमारे थ्रू कराया जाता है तो हम सर्च करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर CV, जो स्टूडेंट की बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है यंग एप्लीकेंट की, अकॉर्डिंगली वी लुक फॉर द इवेंट। एंड उस इवेंट के बेसिस के ऊपर, उस इवेंट का कुछ फीस होती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो आपको भरनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर, जो कि इस वीज़े की रिक्वायरमेंट है। पहली आपके पास इन्विटेशन होना चाहिए फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ अंडरलाइन कर देता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ फेक वेबसाइट्स ऑल्सो ऑन द नेट। जब आप सर्च करते हो ये चीज़ें कि कॉन्फ्रेंस हो गई या वर्कशॉप हो गई, तो इसको कहते हैं प्रीडेटरी वेबसाइट्स, कहते हैं टेक्निकली।
तो प्रीडेटरी वेबसाइट्स बहुत खुली हुई हैं, तो बड़े ध्यान से आपने सर्च करना, जेन्युइनली ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी की तरफ से होना चाहिए इवेंट। अगर आपने कोई ऐसा वैसा इवेंट प्रीडेटरी वेबसाइट पे चले गए और पेमेंट कर दी जो कि ऑस्ट्रेलियन है ही नहीं, तो उसका कोई एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपरली ऑस्ट्रेलियन ही होना चाहिए, या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से हो, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, ऑस्ट्रेलियन कॉलेज की तरफ से हो, या कोई भी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है उसकी तरफ से ही वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ होना चाहिए, ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो करने के बाद, पेमेंट्स करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, आपको इन्विटेशन ऑफिशियल आ जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्विटेशन यू कैन फाइल 408 इन स्पेशल इन्वाइटेड प्रोग्राम। इसमें 6 स्ट्रीम्स होती हैं, तो मैंने एक आपको डिस्कस की जो काम की है, स्पेशली हम इसमें फोकस कर रहे हैं यंग एप्लीकेंट्स के लिए, तो मैं बाकी फालतू वाली स्ट्रीम्स नहीं गिनूंगा, सिर्फ वही करूंगा जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं वहाँ जाने के लिए। तो यू कैन यूटिलाइज दिस वन, दिस स्ट्रीम। और इसमें दूसरा मैंडेटरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ती है, वो मिल जाती है आपको, दैट इज़ अ चार्ज। तीसरी पॉइंट इसमें है, इसमें फ़ीस डबल है एम्बेसी की। जैसे ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा में $152 ऑलमोस्ट फ़ीस है, इसमें $325 आपको भरने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट डबल है अमाउंट। बट आज जाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो इफ़ यू हैव माइंड, इफ़ यू हैव कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, देन यू कैन फाइल फॉर दिस वीज़ा। सिर्फ आपको एक इनविटेशन चाहिए ऑफिशियल इवेंट का, वो एजुकेशन के ऊपर भी हो सकता है, अगर आप कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, डांसर वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। और मोस्टली मैं इसमें कैटेगरी में वही डालूंगा कि जो ग्रेजुएट्स हैं जो जाना चाहते हैं बाहर, तो वो अपने हिसाब से, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से कॉन्फ्रेंस या कोई वर्कशॉप को सर्च करें, हमारे थ्रू करवाना आप करवा सकते हैं, प्रोफाइल जज करवानी करवा सकते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप वो मीटिंग में डिस्कस करें, नंबर फ्लैश होते हैं उसमें सब आ जाता है, वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। अब इसमें आपने वो नहीं करना कि जिसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है और वो इवेंट में आप रजिस्टर हो जाओ, तो ये थोड़ा बात का ध्यान रखें, बड़ा स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, एवरीथिंग से मैच होके ही आपने इवेंट को रजिस्टर करना और उसका इनविटेशन लगाना ऑफिशियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइल दिस वीज़ा। और पते की बात आपको ये बताते हैं, इसमें मेन 29 दिन में मैक्सिमम सारी 27 से 29 दिन में सारा 90% एप्लीकेशन दे प्रोसेस, तो दैट मीन्स इट इज़ फास्ट, डिसीजन इज़ फास्ट। और उनको अगर सब कुछ समझ आता है, ओके है उधर से ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी की तरफ से इन्विटेशन, ओके है इधर से आपके प्रोफाइल, ओके है, तो ये हफ्ते में भी आ जाता है वीज़ा। एंड अब लेटर ऑफ सपोर्ट है आपके पास, तो 3 महीने का आएगा, और इसी में अगर आपका फर्दर कोई, ये साइंस के लिए मैं थोड़ा फोकस करूँगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या रिसर्च स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं वो साल साल के भी मिल जाते हैं, 2-2 साल के भी मिल जाते हैं, तो आपका वो सिनेरियो है अगर, तब आपको वहाँ से सिर्फ सपोर्ट लेटर ही नहीं, स्पॉन्सर लेटर आप ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, और उस स्पॉन्सर लेटर में आपको पैसे भी मिलेंगे, एंड ऑन दैट यू कैन हैव दिस वीज़ा फॉर 2 ईयर्स। तो वो सेपरेट स्टोरी है फॉर फर्दर इफ़ यू हैव दैट। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसमें कैसे आपने जाना, तो आप डिस्कस कर सकते हो डिटेल में, हर एक प्रोफाइल डिफरेंट होती है। ये मैंने साइंस ग्रेजुएट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बताया कि वो 2 साल तक भी एग्रीमेंट साइन करके एंड इन्विटेशन लेके ये अप टू 2 ईयर्स रह सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर इन ऑस्ट्रेलिया, टेम्प्रेरी एक्टिविटी वीज़ा, ठीक है। बाकी अदर इफ़ यू हैव ओनली एक्सेस टू वर्कशॉप, देन लेटर ऑफ सपोर्ट चलता है। लेटर ऑफ सपोर्ट उसको टेक्निकली कहते हैं, बेसिकली वो इनविटेशन है जिसमें वो लिखते हैं कि हम सब आपके लिए अरेंज करेंगे, कोई अगर कॉन्फ्रेंस है तो उसमें बैठने का, खाने पीने का, ये सारा कुछ होता है उसमें लिखा हुआ लेटर ऑफ सपोर्ट में। सॉरी, आपका उसमें नाम होता है, सारी डिटेल होती है, एंड ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर स्टैंपिंग होकर आपके पास वो आता है, देन यू फाइल दैट एंड यू विल गेट द वीज़ा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रीम। अब इसमें एक और स्ट्रीम है, हमारे रिलीजियस स्ट्रीम इसमें गाती है, वो जो सिख हैं हमारे, जो रागी वगैरह जानते हैं, कीर्तन करना जानते हैं, तो इस स्ट्रीम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है 408। इसमें आपको अपनी जो एजुकेशन है, जैसे उसमें सर्टिफिकेशन होती है, वो आपको चाहिए होती है कि आपको कीर्तन और ये सारा कुछ का नॉलेज है,
और आप कीर्तन करते भी हैं। एंड नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया साइड से आपको गुरुद्वारा साहब जी के हेड ऑफ कमेटी से सेम सपोर्ट लेटर चाहिए होता है, जिसमें वो आपको यही लिखते हैं कि इनके पास सारी एजुकेशन है और ये यहाँ पर आकर कीर्तन करेंगे हमारे गुरुद्वारे में, और अप टू 3 मंथ्स के तक वो टेन्योर डाल देते हैं। तो उसके बेसिस पे भी रिलीजियस स्ट्रीम में भी ये वीज़ा लग जाता है 408। तो इस तरह से ये दूसरी स्ट्रीम है, बट ये थोड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड के ऊपर है। तो मैंने एग्जांपल आपको गुरुद्वारा साहिब का दिया, अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक ऑफ दैट। अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, उस एंगल से इसको फाइल करना चाहते हैं, तो उस एंगल से भी कर सकते हैं यंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया वर्कशॉप वगैरह, दूसरा मैंने आपको रिलीजियस बता दिया जो कि हेल्पफुल है, तीसरा उन लोगों के लिए है, थर्ड वन। अब ये जो दो चीज़ें हैं, जो पहले वाली चीज़ तो आप अपने लेवल पे अप्लाई करके वर्कशॉप में ले सकते हो, दैट इज़ द ईजिएस्ट वन। जो रिलीजियस वाला है उसमें आपका कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, तभी आपको वो लेटर देंगे, या आप गुरुद्वारा साहब को लिखें कि मैं आना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली वो आपको दें। तो इट डिपेंड ऑन दैट। अब जो तीसरा है, थर्ड वन इज़ डोमेस्टिक हेल्प। अब ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास ना तो एजुकेशन है ना हमारे पास जॉब है, फिर भी हमें ना वहाँ कुछ भी करवाने, हमें बाहर जाना है। ऐसे जो लोग हैं वो अगर अब आप वीडियो देख रहे हो और आप बाहर जाना चाहते हो, तो इस वीज़े के थ्रू आप जा सकते हो। इसमें डोमेस्टिक हेल्प की एक स्ट्रीम होती है 408 में, डोमेस्टिक हेल्प स्ट्रीम। उसमें सिर्फ आपको एक लेटर चाहिए ऑस्ट्रेलियन का, जो आपका ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, कि आपको वो एज ए डोमेस्टिक हेल्प हायर कर रहे हैं और इतनी आपको वेजेस वो देंगे एज़ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर। ये लेटर के बेसिस के ऊपर विदाउट एनी आयल्स, विदाउट एनी कुछ भी, आपको ये वीज़ा मिल जाता है एंड आप एज ए डोमेस्टिक हेल्प वहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द 3 वेज जो कि यंग एप्लीकेंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, एंड दे कैन हैव एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया। अब वहाँ पर जाकर आप इसको यूटिलाइज़ करें, आप इसको अप्लाई करें स्टडी वीज़ा में, दैट इज़ अप टू यू, यू कैन डू एनीथिंग। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है फॉर द यंग एप्लीकेंट्स, जिनके पास कोई रहता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट अवे फाइल करने से रिफ्यूज़ल्स आते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी गुड इनकम सोर्स। तो यही इस वीडियो का मेन मोटिव था। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इसको शेयर ज़रूर करें। बाकी जूम स्लॉट यू कैन बुक फॉर योर केस डिस्कशन। थैंक यू, होप एवरीथिंग इज़ फाइन, बाय बाय।